Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex, Anvega Mall, Ajmer. मेरा सम्मान नहीं रहता, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। दशहरा समिति बनती है, दशहरा समिति में हम 60 पार्षद हैं, आपको मेयर और डिप्टी मेयर मिला के 60 जने हैं। आपने मेयर डिप्टी मेयर तो समय हो गए, बाकी 57 को आपने दशहरा समिति में जगह दी केवल मुझे छोड़कर। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि इस जगह आपने मेरा सम्मान नहीं रखा। इधर तो नहीं होते उन्हें इतने आगे हो सकता है, कारण बहुत सारे हो, मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हुए हैं, हो सकता है बहुत सारे दूसरे मुद्दे उठाए हुए हैं, और जो मुद्दे उठाए हुए हैं उसकी वजह से आपने आपने मुझे नहीं रखा। इसका जवाब आपको डिपेंड करता है, ये आपको डिपेंड करता है, इसका जवाब नहीं। चीज के लिए आप आचरण से बात करिए, कमसा के निकल करिए, I'm a
इसलिए अपन को चुप रहना चाहिए क्योंकि आगे वाले दो लोगों में से इशारा किया गया पीछे वालों को एक विषय इनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो इन्होंने जिस चीज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तारीफ की थी कि साहब महापौर जी ने मेरी मदद की इस काम के अंदर वही महीने भर बाद चीज विरोध में हो गई। ठीक है ना, करो जांच करो कुछ नहीं, इनको पत्रावली में नकल नहीं दी जाएगी, वो पत्रावली की नकल धर्मेंद्र गहलोत महापौर ने इनको दिलाई। इस पर इन्होंने जांच करी, मेरे से पूछने के बाद मैंने इनको कहा कि हर प्रकार की जांच कराओ, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अब लड़ाई दो के बीच में, अब आप ये कह रहे हैं कि साहब मेरे को सम्मान नहीं दिए, मेरा ये कहना है कि जब आप नरक नियम कह रहे हो, फिर वहां पे जब नरक ही है तो उसके क्यों पात्र बनना चाहते हो यार। एक दूसरा ये है कि आप लोग जो चुप बैठे हो ना, ये केवल धर्मेंद्र गहलोत का आरोप नहीं, ये मुख्यमंत्री जी के पास इन्होंने जाकर लाइन में खड़े होकर एक ज्ञापन दिया है जिस पर जांच आई है, ऊपर से जांच का जवाब दे दिया गया है, और एक जांच में तो नरेंद्र गहलोत पे भ्रष्टाचार अगर वो किसी पे होगा किसी पे होगा, एक सफाई पे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये जो सम्मान की बात कर रहे हैं ना कि पार्षद गणों का सम्मान होना चाहिए, अभी आपके तार हिल जाएंगे शरीर के जब ये शब्द पढ़ के बताता हूँ मैं इनको। नगर निगम अजमेर ने महापौर को मिलाकर कुल 60 पार्षद हैं, मेरी जानकारी अनुसार 99% पार्षद हर महीने 18,000 रुपए का लिफाफा महापौर द्वारा दिया जाता है।
स्किल्ड वार्ड के कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि एक मैप के जरिए पैसे वसूल करता है कर्मचारियों से। मार्च 2019 में सबसे पहले एक मेरा लेटर गया था, आयुक्त को दिया गया था, जिसमें ACR योजना का 50 करोड़ का घपले करने का, घोटाला करने का वो लगाया था, जिन्होंने गलत आवंटन कर दिया। जो अवाबशुदा ज़मीन थी उसके लिए मैंने आरोप लगाया था कि इन्होंने अवाबशुदा ज़मीन को, जो 1,00,000 रुपये गज की ज़मीन थी, उसको 2100 रुपये गज में इन्होंने बंदरबाट कर दी। एक एक आदमी को 6-6 प्लॉट दे दिए। नगर निगम को 6,000 वर्ग मीटर तक का पावर था और ये जो ज़मीन है वो 7,734 वर्ग मीटर ज़मीन है, जबकि और जो काम किया वो किया उपायुक्त ने, जबकि उपायुक्त को पावर ही नहीं थी, आयुक्त ही कर सकता था, आयुक्त के साइन ही नहीं है पूरे में।
तो उसको लेके मैंने एलिगेशन लगाया सबसे पहले, क्यों? क्योंकि वो जमीन मेरे वार्ड में थी। मैंने उसका सवाल उठाया सबसे पहले। जब सवाल उठाया उसके बाद फिर उस पर कलेक्टर साहब ने एक जांच कमेटी बना ली। उस जांच कमेटी में हमारे नगर निगम के अधिकारी लिए जो उस घोटाले में ऑलरेडी शामिल थे, जैसे सिरवी साहब, उनकी खुद की रिपोर्टिंग है, वो उसमें शामिल थे। ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं माना, फिर उसकी जांच की रिपोर्ट आई। उस जांच की रिपोर्ट में इन्होंने माना कि ये जो आवंटन हुआ है, जो सोसाइटी ने आवंटन किया था, वो गलत था। फिर भी उसके बाद उन्होंने उसी जांच रिपोर्ट में एंड के पॉइंट में उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी। मैं कलेक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने उस जांच रिपोर्ट को आज तारीख तक न एक्सेप्ट किया है न रिजेक्ट किया है, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने ACB में भी लगा दिया, ACB में भी परिवाद आ गया है, परिवाद नंबर मेरे पास उसका आ चुका है। इसके बाद मैं हाईकोर्ट भी चला गया। इसके बाद मैंने ढेर सारे मुद्दे उठाए, जिन्होंने खास तौर पर हमारे जो पार्षद साथी हैं वालिया जी, उनके थ्रू जो काम हो रहे हैं टोटल, उनके उनके बच्चे के थ्रू, हरीश पेनवाला के थ्रू जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, पूरी लाइन लग रही है, पूरी की पूरी धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। भले इन लोगों की दादागिरी इतनी हो गई कि किसी की ज़मीन है तो वो ज़मीन पर अपना काम नहीं कर सकता है। अगर कॉमर्शियल उसको बनाना है तो ठेका इनको देना पड़ेगा, और ठेका कौन लेगा? मेयर पुत्र लेगा। जितने अवैध निर्माण होते हैं हमारे महापौर जी के जो पुत्र हैं वो ठेका लेते हैं, वो मौके पे नहीं जाते, उनके ठेकेदार आते हैं, वो काम करते हैं। जो एक स्केल्टन खड़ी करने की जो रेट होती है वो 750 से 800 मैक्सिमम होती है, और वहाँ जो पैसा लगता है वो 1400 रुपये की रेट ली जाती है, उसमें भी उसको 5000 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है। तो जब मैंने आवाज़ उठाना चालू की, लिफाफे की बात आई, इन्होंने जिस चीज़ के लिए कहा कि पार्षद को लिफाफे की, तो मैं कहता हूँ ये जाँच कराएँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जो पैसा दिया जाता था वो मेयर साहब द्वारा दिया जाता था, कोई और आदमी देने नहीं आता था, वो अपनी जेब से देते थे। पहले वो देते थे आपके 2018 तक देते थे 16,500 रुपये, उसके बाद वो 18,000 रुपये हर महीने देते थे। अब देखिए ये बहुत स्वाभाविक बात है, जो बोलेगा किसी चीज़ के लिए आएगा सामने तो वो तो चोर हो जाएगा। बाकी साहूकार कोई नहीं बोलना चाहेगा कि मैंने पैसे लिए, इस चीज़ के लिए कोई नहीं बोलना चाहेगा। मेयर ने कभी आपको लिफाफा दिया क्या? मेयर को दिया, कई बार दिया, और मैं साफ कह दूं हाँ मैंने लिया, तभी मैं कह रहा हूँ, और मेरे सामने कई जनों को दिया, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने लिफाफे बांटे, लिफाफे से मैनेजमेंट किया है। और इस चीज़ के हर पार्षद की अपनी एक इमेज होती है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज बिगड़े, तो उस हिसाब से उसने वो हमारे पार्षद साथी नहीं बोलेंगे इस मैटर में, वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे इस चीज़ के लिए। और उसी मद्देनज़र जैसे दशहरा समिति बनी थी तो इसमें इन्होंने 57 पार्षदों को लिया, डिप्टी मेयर, मेयर के अलावा, ठीक है टोटल 59 हो गए, मेयर को उस समिति में नहीं लिया। मालूम पड़ा क्यों नहीं लिया, तो बस उनका ये था नहीं लिया, मेरी पावर है, मैं किसको रखूँ किसको नहीं रखूँ मेरी मर्जी। तो कुल मिला के वो सीरीज चल रही है भ्रष्टाचार की लड़ाई में, मैं लगातार लगा हुआ हूँ और उसी की कीमत मुझे बार बार चुकानी पड़ रही है। जैसा मेयर साहब ने भी इंडिकेट किया कि इस पर मुकदमा दर्ज है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप सुनिए, चैनल के सामने बता रहा हूँ, इस मुकदमे दर्ज होने में सबसे बड़ा जो रोल है हमारे माननीय मेयर का है। इन लोगों ने क्या करा, मेरे घर के जो नियमन की फाइल है, जो घर के नियमन की फाइल है वो वहाँ से इन्होंने, वालिया ने और इन्होंने वहाँ से निकलाई अविधिक तरीके से, और निकलाने के बाद उसके पेपर चेंज कर दिए, दस्तावेज चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद FIR दर्ज करा दी, उस पर जो कॉपी होती है प्रतिलिपि उस पर FSL करा ली। FSL कराने के बाद मुझे अभियुक्त घोषित कर दिया। मैं गया सीधा वहाँ पे ADA के पास, ADA ने मुझे जांच रिपोर्ट दी है बकायदा कि जो मैंने नियमन के वक्त पेपर दिए हुए हैं वो बदले हुए हैं, उनका मिलान नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ रिपोर्ट दी है। वही मैं DGP साहब के पास लेके गया हूँ, DGP साहब ने वापस जांच भेजी, यहाँ भेजी है और आदर्श नगर थाने में भेजी है, उनको पॉइंट लिख के दिए हैं। अब वो अब वहाँ ADA को ढूंढ रहे हैं, ADA में किस कर्मचारी ने ये बदले हैं इसको, मतलब ये साजिशन जो कर रहे हैं काम, वो ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके चुप हो जाए, आवाज़ नहीं उठाए। हमारे माननीय मेयर साहब के जो पुरानी मंडी में उन्होंने जगह दी है उसको आयुक्त मैडम ने निरस्त करने का भी लेटर लिखा हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 38 लाख रुपये में वो जगह दे दी, जबकि आपने 11 गज ज़मीन जो बेची थी वो 88 लाख में बेची है, और वो 100 गज ज़मीन आपने 38 लाख रुपए में दे दी, 10 करोड़ की ज़मीन थी। जो आवाज़ उठाएगा वो बुरा बनेगा, क्यों? क्योंकि इनके हित आपस में टकराते हैं, बहुत सारी उनको लगता है कि हमारे सामने ये कैसे बोल रहा है।
लाइन चल रही है, सीरीज चल रही है, इसको जिसने ब्रेक करने की कोशिश करी उसको ब्रेक करने में ये लोग लग जाते हैं। अभी तो सदन चल रहा है, प्रस्ताव संख्या 1 बजट के लिए है, बजट पे अभी चर्चा चल रही है। वो जो संपूर्ण बजट पे चर्चा हो जाएगी इसके बाद ही क्या निर्णय आएगा ये तभी संभव है बताया जाना। अभी चर्चा है, इसको भोजन अवकाश के लिए स्थगित किया गया। ऐसा है, देखो आरोप लगाना जो है आदमी को, इसने जिस प्रकार के आरोप लगाए और आज ही नहीं लगाए, वो एक स्वयंभू ब्लॉक मास्टर हो रखा है। आज से नहीं, लंबे समय से वो नगर निगम को नरक निगम के नाम से उच्चारित करता है, जबकि उसका दायित्व है, इस संस्था का वो ट्रस्टी है, इस संस्था का वो सदस्य है, इसके पास मंच है, महापौर के पास आके कह सकता है, आयुक्त के पास आके कह सकता है, सदन के अंदर अपनी बात को रख सकता है, मगर सदन के बाहर जाके किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप लगा दे। अब जैसे उदाहरण के रूप में जब इसने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सब लोग साक्षी हो, आप सब लोगों ने पूछा था कि महापौर का इसके अंदर क्या रोल है, तब इसने कहा था कि महापौर का रोल कुछ नहीं है, महापौर तो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को डॉक्यूमेंट्स या कार्यालय से नहीं मिल रहे हैं, महापौर ने मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं। इस बीच में चलते चलते में इसने मेरे से पूछा कि इसमें मैं जांच कराऊं क्या। मैं कहा बिल्कुल निश्चित रूप से करानी चाहिए, अगर आपको 50 करोड़ के आपको लगता है कि नगर निगम में कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जाँच आपको कराई जानी चाहिए, इस विधि संबद्ध का। इस चलते चलते दौरान में 2 पार्षद हैं, वालिया जी हैं और एक चंद्रेश साकल, इनके दोनों के एडजोइनिंग वार्ड हैं, दोनों के अपने अपने इश्यूज होंगे, पर दोनों की अपनी इश्यूज की लड़ाई के अंदर नगर निगम को आप पार्टी बनाते हो, उसके आरोप में फिर इन्होंने वालिया जी के खिलाफ एक शिकायत दी कि ये कृषि भूमि पर नक्शे पास करवा रहे हैं और कृषि भूमि को बेच रहे हैं। इनकी इसकी शिकायत पे मैंने जाँच करने के आदेश दिए, जाँच में ये पाया गया कि कृषि भूमि पर 2 नक्शे पास हो गए हैं, वो उस आर्किटेक्ट ने उसको कृषि भूमि के बजाय आबादी बताते हुए गलत तथ्य पेश करते हुए वो नक्शे पास करा लिए, मैंने वो नक्शे निरस्त कर दिए। इस बीच में वालिया जी ने इसके प्रति शिकायत दी कि इसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए मकान बना रखा है, इसकी जब फाइल की तायद की तो उसने एक ही समय में एक ही तरीके के 2 एग्रीमेंट जो पत्रावली पे ADA पे आज भी उपस्थित है उसको लेके सिविल लाइन थाने में मुकदमा हुआ। जब सिविल लाइन थाना किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जब किशनगंज थाने ने इसको गिरफ्तारी करने की कार्रवाई करी तो ये SP साहब के पास गया, SP साहब के पास जाकर इसने जांच को चेंज कराया, जांच चेंज कराकर आदर्श नगर थाने वाले के पास गई, आदर्श नगर थाने वाले ने जब इसको गिरफ्तारी करने के लिए बात को आगे बढ़ाई तो ये भूपेंद्र जी यादव DG साहब के पास गया, वो पत्रावली DG साहब के पास गई, DG साहब के 15 दिन के बाद पेंडिंग रहने के बाद 5 क्वेरीज के बाद वापस यहाँ पे आ गई, वो पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। निश्चित रूप से इसने जो फर्जी दस्तावेज करके 420, 467, 468, 471 का जो मुकदमा किया है तो उसमें इसको लगता है कि ये जो मैंने मदद की है और इस विषय को मैंने उछाला, इसलिए वो चलता चलता मैं अच्छा चलता चलता चोर हो गया, इसके लिए बेकार हो गया, तो मैं महापौर हूँ, मेरे लिए अगर कोई भी शिकायत करेगा इस पर जांच करूंगा। ये तो नहीं हो सकता कि इनकी जांच पे, इनकी शिकायत पे तो जांच करूं और कार्रवाई कर दूं, अगर दूसरा पार्षद कहे तो इस पर नहीं करूं। एक दूसरा विषय और है, जब आज इतने जागरूक बन रहे हो, आपको जानकारी है कि आप जिसमें कार्यालय खोल के बैठे हो वो बिल्डिंग अवैध है, उस बिल्डिंग को सरकारी भूमि पर कब्जा है, उसको सीज करने का ऑर्डर है, वो सीज की कार्रवाई में पेंडिंग है, कभी भी सीज हो सकती है, तो जब आप ये जानते हो, जागरूक पार्षद हो, तो उसके नाते आप नहीं कर रहे हो। वहीं के उसके कर्मचारी, उसके वार्ड के कर्मचारी इस बात को करते हैं। पूछना चाहता हूं मैं इससे और आप भी पूछना, ये सुनील मैट है कौन? कौन सुनील मैट है जिसके माध्यम से आप वसूलियां करते हो? वो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये सुनील मैट के माध्यम से हमारे से वसूलियां करता है, निश्चित रूप से मैं आयुक्त महोदय को कहूँगा कि इस बारे में जाँच करें और ये दोषी है। अब आपको लेके इसके ये पीड़ा हुई कि इसने जो दशहरा महोत्सव बना, दशहरा महोत्सव में इसको कमेटी में क्यों नहीं लिया गया? तो मेरा मानना था कि जब आप
नगर निगम को नरक निगम कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हर मामले में यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ तो हर मामले, तो बेचारा कोई साधु बनने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको दलदल में ला के क्यों पटकूँ? अगर वो सुधरना चाह रहा है, वो अपने आप को ठीक मानना चाह रहा है तो उसको मैं ज़बरदस्ती क्यों कमेटी का मेम्बर बनाऊँ? और जब मैं कमेटी का मेम्बर बना देता तो यही श्रीमान जी दो लाइन की चिट्ठी लिख के देते कि यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं उस कमेटी में नहीं रहना चाहता। तो अपनी इज्जत अपने हाथ होती, हमने उसको मुक्त रखा इससे। अब इसके बाद इसने लेके मुख्यमंत्री जी कार्यालय पे गया और पूरे नगर निगम को भ्रष्टाचार से युक्त इस बोर्ड का बताते हुए कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और यहाँ यहाँ इस प्रकार के हर महकमे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ठीक है, जांच हो गई, जांच के आधार पे वहाँ पे रिपोर्ट भी गई है मुख्यमंत्री जी के पास, किंतु इसका जो एक गंभीर आरोप था वो गंभीर आरोप इसने अभी जो क्या कहा सदन में कि साहब जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान हमारे को नहीं दिया गया, आप बताओ मेरे को दशहरा महोत्सव में क्यों नहीं लिया? और आपको तो दशहरा कमेटी में नहीं लिया गया इसलिए आपका सम्मान अहित हो गया, मगर आप मुख्यमंत्री जी के पास जाकर ये कहते हो कि 99% पार्षद यहाँ पे चोर और 18,000 का लिफाफा लेता है, वो आप सम्मान दे रहे हो? पार्षदों को सम्मान दे रहे हो? निश्चित रूप से जब ये विषय ये तथ्य लाए गए सदन के सामने, पार्षद महोदयों ने सब एक मत एक राय से सर्वसम्मति से कांग्रेस बीजेपी के ने कहा कि इस प्रकार के आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस बात के लिए भी कहा गया कि ये सदन की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, अनावश्यक ये आरोप प्रत्यारोप के ऐसे लगा रहा है कि सब कुछ चोर की भाषा में बोल रहा है। तो ऐसे में जो नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है उसके धारा 18 के तहत मैं अधिकृत हूँ कि अगर कोई व्यवस्था को बिगाड़ता है, सदन को चलने में ऐसे अव्यवस्था का वातावरण पैदा करता है तो उसको मैं निष्कासित कर सकता हूँ। अगर वो निष्कासित होकर नहीं जाते तो मेरे पास ये भी पावर है कि मैं पुलिस के माध्यम से भी उसको बाहर कर सकता था। तो निश्चित रूप से जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, जो उसने जिस संस्था का ट्रस्टी है उस संस्था के बारे में बिगर तथ्यों के आधार पर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 50 करोड़ की इन्होंने कहा कि घोटाले हो गया, 50 करोड़ का घोटाला हो गया, और आपका कोई संतुष्टि का लेवल है कि नहीं है? जब आपने कलेक्टर मुख्यमंत्री जी के सामने आपने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब की कमेटी बना दी, कलेक्टर साहब ने जाँच करके उसको बिल्कुल कह दिया कि 50 करोड़ का कोई घोटाला नहीं, जो नगर निगम में काम हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। फिर आपने वापस कहा कि इन इन तथ्यों पर जांच नहीं हुई, इन इन तथ्यों पर वापस उस कमेटी ने जांच कर दी, सेकंड रिपोर्ट में वापस जांच देके उसको खारिज कर दिया। अरे सरकार की बनाई हुई कमेटी, आपकी डिमांड पे बनी हुई कमेटी, आपके सारे प्रश्न उठे हुए, उस पर जब दो दो बार आप खारिज कर दो तो फिर कर, नहीं नहीं अभी भी 50 करोड़ का घोटाला, अभी भी 50 करोड़, तो कोई संतुष्टि का लेवल होगा? हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट में एक दावा पेश किया, जब उस हाईकोर्ट ने DB की बेंच में जब लिया नहीं इनका, कोई ना कोई कमी थी उसको वहां से विड्रॉ कर लिया, बिगर तथ्य बताए कि मेरी यहाँ पे जाँच हो गई, सरकार ने जाँच कर ली है, फिर दोबारा मिथ्या चीज तथ्य प्रस्तुत करते वहाँ फिर हाईकोर्ट में चले गए, वहाँ लगा रखा। और जब हाईकोर्ट में चीज पेंडिंग है, जब आप लड़ाई लड़ रहे हो और चीज़ें तो करो, किंतु सदन का वातावरण खराब करने के लिए और वातावरण को खराब करने के लिए उसको यहाँ से सदन से निष्कासित किया।